ये इसको देख के तो मेरा मुंह में पानी आ गया यार डॉली। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है हमारा आरबी डॉली व्लॉग्स पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे और अपने अपने काम पर बिजी होंगे। फिर भी कब स्टूडियो पे आए तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। गाइस, लास्ट वीडियो आपने देखा की हम लोग हाईलैंड जाके आए थे और वहाँ पे कुछ कुछ मार्केटिंग किए थे और जाल भी हम लोगों ने खरीदा था ताकि मछली हम लोग मार सके, लेकिन इतना जोर से बाहर में बारिश देने की वजह से, चाइना भी इतना जोर से बारिश दे रहे बोल रहा था और वहाँ से पूरा हम लोग का लोही ड्रेवर बहुत ज्यादा भर गया और पानी इतना भरती है, इतना गंदा है कि हम लोग फिशिंग वीडियो नहीं बना पा रहे। तो आज का जो वीडियो है डॉली बनाएगा आज क्या, आलू का पराठा। एंड दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहना, आलू का पराठा कैसा बनता है। और डॉली अभी शुरू हो जाओ, वैसे भी अभी पूरा 2 बज गया, 2-3-4 1-2 घंटे में तुम बना ही लेगा ना। तब तक हम भी कुछ अपना फोन में कुछ कुछ काम है, एडिटिंग वगैरह क्या क्या काम है, तो मैं वो करता हूँ और डॉली आलू का पराठा बनाओ बहुत ही ज्यादा बढ़िया से ना। तो दोस्तों, आप लोग देखना आलू का पराठा कैसे बनता है। दोस्तों, आलू पराठा बनने के लिए सबसे पहले हमें आलू आटा को गोनना पड़ेगा। आटा को गोनना पड़ेगा और आलू का कुछ काम है, आलू को बॉईल कर दिया गैस में, वहाँ भी ओ बॉईल कर दिया। अरे आलू को यहाँ बॉईल करके रखा है, मुझे तो पता ही नहीं है। एंड दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, इसका बार क्या क्या प्रोसेस है आप लोग देखना। और आज का बहुत ही ज्यादा लाजवाब वीडियो आने वाला है दोस्तों। दोनों ने इसमें पूरा चिली पाउडर लोग तेल वगैरह क्या क्या डाला है तो इसको पूरा पीस करना होगा। हम पूरा ऐसा पीस कर देंगे, देखे दोस्तों आलू पराठा। जब हम लोग स्ट्रीट फूड खाने जाता है, वहाँ का आदमी ऐसे करके बनाते हैं वो लोग का हाथ से, फिर भी हम लोग खाते हैं। तो क्या ये लोग तो हम लोग खुद का ही हाथ से बनाया होता है, ये लोग को एकदम मजा से बना के खाना है दोस्तों। पूरा चटनी हो चुका है, आलू का चटनी, आलू पराठा बनने के लिए तैयार। और डॉली अभी उसको आटा के अंदर डालेगा। चलो, हम लोग बचपन में देखते थे कि आटा के अंदर पे आलू होता है या तो कुछ कुछ होता था, हम लोग सोचते आटा का अंदर कैसे डाला होता है, कैसे डाला होता है, लेकिन अभी पता चलता है कि कैसे बनाता है, तभी मालूम चलता है कि ऐसा बनाता है, तभी उसका अंदर चला जाता है ये आलू, तभी खिलाता है आलू पराठा। इतना ज्यादा आलू डालेगा क्या ये सब, जुड़ेगा इतना ज्यादा मत दिलो यार डोले। इसको तोड़ देगा क्या? अरे आलू पराठा बोल, ऐसे करना है ये दोस्तों, पेला जाएगा, आलू नहीं निकलता है, इसलिए कुछ मालूम चल रहा है आलू पराठा है बर्गर के इसमें। ये तैयार आलू पराठा बेल करके अभी बस इसको तेल में उबलना है ना, मजा आ जाएगा तब खाने के लिए। तलका मारेंगे, इसको तलका बोल रहे हैं, इसको अभी पकाएंगे। और हम लोगों का किचन जो है बहुत ज्यादा अंधेरा है, ये सिर्फ एक एक ही लाइट है, उसका वजह से ये सिर्फ एक लाइट का वजह से पूरा ये रूम में भी उजाला देता है और किचन में भी थोड़ा सा उजाला देता है। एंड किचन इतना बड़ा नहीं है हम लोगों का, बस यहाँ से बस 6 भी नहीं होगा, 5.5 ऐसे फुट है, 5x4 में ऐसा में हम लोग का किचन है। वाह, खतरा किचन। चलो कोई बात नहीं, ये हम दो आदमी के लिए बहुत बड़ा किचन है। कहाँ पका है?
अरे अरे ओरे वाह, मजा से हो गया तो इसको ऊपर से। वाह लग रहा है, ये तो ये पूरी जैसे लग रहा है, लेकिन ये परत है ही ना। आलू जरा नहीं देखे ला दोस्तों, आलू पराठा पूरा जल गया है। दोली एक गल के लिए पूरा हम दोनों ध्यान नहीं दे तो पूरा आलू पराठा पूरा जला पराठा में बन गया यार। पूरा जला पराठा बन गया ये तो। हे भगवान, ज्यादा मत जला, हो गया पक गया होगा। दिया हटाओ, अभी फिर पलट गया क्या? जहाँ से जला है वहां से पलटे रख दे। चलो ये जला वाला को हम खाएगा ना, मजा आ जाएगा इसको खाने। जला पराठा हम दोनों का, इसको खा देगा हम दोनों। अभी नहीं खाना है, पूरा खाने दिल हो रहा है। गैस छोटा करो ना तुम, छोटा तो क्या। जब से गैस लाया दोस्तों, आग एक बार भी नहीं जलाया है हम दोनों यहाँ पे। बस बीच में मम्मी आया था एक बार जैसे जला के गया है। फांस में गैस नहीं आने से पहले दोली क्या बोल रहा था? गैस नहीं आने से पहले पूरा दोली खाना आग में बिता देगा और सब्जी खाना गैस में बिता देगा, सब्जी आग में जलाएगा, दोनों एक साथ में पकेगा। क्या यार तुम इतना जला पराठा बनाता है, क्या बोलेगा दोली? दोस्तों दूसरा बार भी हम लोग का जला पराठा बन गया। मत जलाओ ना यार, गन भी पूरा जला जला गन मार रहा है, थोड़ा भी अच्छा गन नहीं मार रहा है। इसको अच्छा से बना, इसको जला पराठा मत बना ना। बढ़िया, वाह ये लो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है दोस्तों। देख के लग रहा है बहुत ज्यादा एकदम स्वादिष्ट डिलीशियस होगा। एंड ये वाला लास्ट पीसेस था, खत्म हो गया यहाँ पूरा, बस यही बच गया। वाह अरे यार बहुत ज्यादा सुंदर। आह ये इसको देख के तो मेरा मुंह में पानी आ गया यार दोली। चलो खाते हैं यार, पटपट बनाओ ना। अब ये पक ही गया ना, बिना चटनी का होता है ना ये पलो पराठा। अरे इसका अंदर में सब्जी है तो क्या चटनी है? ओह ठीक है, तो ऐसे ही खा लेगा ना, भूख भी बहुत खराब से लग गया। लेट्स ईट मैन। अरे ये तो फूल रहा है दोस्तों। फाइनली हम दोनों का आलू पराठा पक गया है और बहुत मेहनत लगा है इसमें, आरबी भी थोड़ा मदद किया है मेरा, और फाइनली ये अभी पक गया है और अभी इसमें लगा करके हम दोनों खाएंगे, मजा करेंगे। आलू पराठा लगा दे सिम सिम, मजा आ गया यार दोस्तों, लगा दे फटाफट। जला वाला हमको दो, हाँ आगे वाला जला वाला। हमको तो पूरा ऐसे चबा देने दिल कर, लेकिन गर्म है उसका वजह से नहीं खा पा रहे हैं। खुद से बनाया हुआ आलू पराठा तो एकदम लाजवाब है दोस्तों, क्या है बताऊं। जी है दोस्तों, ये रहा आलू। खुद से लोकल आलू पराठा हम लोग जब बना के खाएंगे तो एक टू से पेट भर जाता है, मजा आता है पूरा, और अंदर में सब्जी वगैरह कुछ होते तो खाने के लिए बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो अभी हम ज्यादा नहीं खाते हुए और एक खाएगा। वैसे दोली ने 7 पीस बनाया था, हम दोनों एक एक पीस में टल्ली हो गया, और एक एक, एक जो हम दोनों भाग करके खाएंगे। इसमें सब्जी पूरा नजर आ रहा है, मजा आ जाएगा।
इसको बोला था सिर्फ चार टू बना लो, दो दो खाने के लिए। अभी कहाँ दो दो भी नहीं खा सक रहे हम दोनों। दोस्तों देखो ऐसे ऐसे करो, फोटो खींचेगा हो गया, स्क्रीनशॉट लेके और एक बार ऐसे कर लो। पेट भर गया यार। दोस्तों जब भूख लगने से जितना भी कुछ खा लो, लेकिन चावल का भूख अलग ही होता है। शाम को तुम चावल बनाओ, एक फुआ बनाओ ना। क्या मिलके बनाएगा, मिलके एक फुआ। तो आलू पराठा आप लोगों को कैसे लगा है और बनाने का प्रोसेस आप लोग जाने ही नहीं जाने, आप लोग कमेंट करिए जरूर बताना। एंड बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, हमें खा के बहुत ज्यादा जब कुछ खाने के बाद बात करने से ऐसे ही होता है, हमें खा के बहुत ज्यादा मजेदार मजा आ गया। दो पीस में हम लोग टल्ली हो चुके हैं एंड ये जो बचा हुआ है वो शाम को खाएंगे, ये तो कल सुबह चाय के साथ खाएंगे ना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने लगा। बाय।